हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एम बी इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव कोटा। आज हम हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। पाठ 9 का नाम है रैदास के पद। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत कवि रैदास के दो पद संकलित किए गए हैं। प्रथम पद का नाम है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इस पद के अंतर्गत कवि रैदास ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा भगवान और भक्त की तुलना की है। आइए अब हम इस पद्य को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कवि रैदास कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर राम नाम रटने की आदत लग गई है। अब मुझे राम नाम रटने की अर्थात ईश्वर का नाम बार बार जपने की आदत मुझे लग गई है। अब वह कैसे छूट सकती है, अर्थात अब वह किसी भी प्रकार से नहीं छूट सकती है। अब उन्होंने यहाँ पर विभिन्न उदाहरण दिए हैं कि भगवान क्या है और भक्त क्या है। उन्होंने कहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि रैदास ने कहा है कि हे ईश्वर तुम चंदन के समान सुगंधित हो। जिस तरह से चंदन को जब हम घिसते हैं तो उसमें से खुशबू निकलती है और वह खुशबू सब और व्याप्त हो जाती है, तो यहाँ पर कवि ने ईश्वर को चंदन की तरह बताया है। और क्या कहा है, हम पानी, आप किसकी तरह हैं, प्रभु चंदन की तरह हैं और मैं उस चंदन में मिलाए जाने वाले पानी की तरह हूँ। जाकि अंग अंग बास समानी, यदि उस चंदन को यदि हम शरीर के जिस भी अंग पर लगाते हैं जो शरीर के अंग अंग में सुगंध व्याप्त हो जाती है, उसी तरह से मेरा जो प्रभु के साथ रिश्ता है वह चंदन और पानी की तरह है। तो इस पंक्ति में प्रभु को चंदन माना है और उन्होंने अपने आप को पानी बताया है। अग्रिम पंक्ति में वो कह रहे हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। इस पंक्ति में उन्होंने प्रभु को क्या बताया है कि हे ईश्वर आप घन बन हो। घन मतलब एक घना घनघोर, बन का मतलब है जंगल, आप एक घने जंगल के समान हो और मैं उस जंगल में नाचने वाले मोर के समान हूँ। हे ईश्वर आप घने जंगल के समान हो और मैं उस जंगल में नाचने वाले मोर के समान हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, फिर आगे उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा को चकोर पक्षी पूरी रात देखता रहता है, निहारता रहता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो चकोर पक्षी है उसका प्रियतम चंद्रमा होता है, तो उसको रात भर टकटकी लगाकर अर्थात बिना पलकों को झुकाए देखता रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु मेरा जो आपसे संबंध है वह चंद्रमा और चकोर की तरह है, अर्थात आप मेरे लिए चंद्रमा है और मैं चकोर पक्षी की तरह आपको निहारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अग्रिम पंक्ति में उन्होंने क्या बताया है कि हे ईश्वर आप दीपक के समान हैं। जब दीपक जलता है तो चारों ओर अंधेरे को दूर करके उजाला फैलाता है, आप उस दीपक के समान हैं और हम बाती, मैं उस दीपक में जलने वाली बाती के समान हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, उस ज्योति के जलने से जो चारों ओर उजाला होता है, तो आप उस दीपक के समान हैं और मैं उसमें जलने वाली बाती के समान हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। फिर कवि रैदास यहाँ पर कह रहे हैं कि हे ईश्वर आप चमकदार मोती के समान हैं, आप चमकने वाले एक बहुमूल्य मोती के समान हैं और मैं उस मोती को पिरोए जाने वाले धागे के समान हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने प्रभु को मोती माना है और स्वयं को धागा बताया है। जैसे सोन ही मिलत सुहागा, फिर उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार सोने में सुहागे को मिलाया जाता है तो सोना और भी अधिक खरा शुद्ध और बहुमूल्य हो जाता है, तो यहाँ पर उन्होंने अपना और प्रभु का संबंध सोने और सुहागे के समान बताया है।
अग्रिम पंक्ति में कवि रैदास ने कहा है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो विभिन्न उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हुए उन्होंने अंतिम पंक्ति में कहा है कि हे ईश्वर तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदासा और मैं दास के समान आपकी भक्ति करता हूँ। तो प्रस्तुत पद में कवि रैदास ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा भगवान से अपना संबंध बताया है। चंदन और पानी के समान, घन और मोर के समान, चंद्रमा और चकोर के समान, दीपक और बाती के समान, मोती और धागे के समान, सोना और सुहागे के समान उन्होंने अपना और ईश्वर का संबंध बताया है।